झांसी के बंगरा ब्लॉक की कटेरा सड़क से 3 किलोमीटर खिरक कटेरा देहात तक जाने के लिए खिरक में बसी लगभग 500 लोगों की आबादी स्वतंत्रता के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग सड़क के लिए तरस रहे। बरसात के दिनों में कच्ची सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाने से लोगों, बेटियों और बच्चों को कीचड़ से निकल के जाना पड़ता है विद्यालय। खिरक में बसे निवासियों ने बताया, ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत विधायक सांसद के चुनाव के दौरान प्रत्याशी वोट पाने के लिए कई बार सड़क बनवाने का वादा कर गए, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद किसी ने भी सड़क बनवाकर हमारी समस्या का हल नहीं किया। बरसात के दिनों में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है। ये सड़क पे कीचड़ भरा है, आप लोग कैसे आते जाते हैं? बहुत परेशानी से जाते हैं, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के ले जाना मुश्किल हो जाता है, और डिलीवरी के टाइम पर तो खटिया पर रख के ले जाते हैं, कोई मुर्दे को ले जा रहे हैं। यहाँ कितने लोग रहते हैं? 400-500 लोग रहते हैं। बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते, बाजार बाजार करने, साग सब्जी नहीं जा पाते हैं, आटे पिसाने तक की परेशानी मिलती है। कितने दूर है यहाँ से बाजार? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर यहाँ चुनाव में जो है लोग आते हैं, बहुत कहते हैं आते, जब भी कहते हैं रोड सुधरवाद, जो कहते हैं जीत जाएंगे हम लोग तो सुधरवा देंगे, इसके बाद नहीं आते, देखने के लिए नहीं आते। कितने समय से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर? कम से कम 20-25 साल हो गई, 35 साल से रह रहे हैं, 40 साल से लगभग 40 साल हो गए। कुलवती, आप अपनी सड़क से यहाँ तक कैसे आते हो? अरे बहुत परेशानी से आते हैं भाई साहब, है बच्चे हैं तो बेबी नहीं आ पाते हैं, यहाँ के यहाँ ले जाते हैं, वहाँ के वहाँ ले जाते हैं, ना कोई यहाँ जाता है ना वहाँ जाता है। कम से कम 10 साल हो गए इस रूट का, कोई आता है तो कहता है हाँ डर जाएगा चुनाव की रूट पे, और चुनाव हो जाता है फिर जाके तहाँ हो जाते हैं। अभी कीचड़ भरा है, कैसे निकलते होंगे? अरे अब निकलते हैं, बड़ी परेशानी से निकलते हैं। कितने लोगों की आबादी है यहाँ पर? कम से कम 400-500 लोगों की आबादी है, कुछ किसान है और जिस सर्वे डेरा है। आप लोग यहाँ स्कूल खुला है तो बच्चे कैसे आते हैं, मास्टर कैसे आते हैं? अब मास्टर अभी तो आते नहीं है, जब सूख जाती है रास्ता जब आते हैं, नहीं तो नहीं आते। पैदल में भी निकल नहीं पा रहे लोग। अच्छा पैदल भी निकल नहीं पा रहे, तो कैसे आ जाएंगे? आप लोग डिलीवरी के समय कैसे व्यवस्था करती हैं अस्पताल ले जाने? अब जिस अब वो तो कहते जैसा है, जैसे डिलीवरी करने हैं लो आ जाना, वही रोड तक गाड़ी, बैलगाड़ी,